खबर शामिल करते हैं। दीपालपुर से हमारे नुमाइंदे तहसील रिपोर्टर हाफिज मोहम्मद मुदस्सर सईद की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर नवाही गांव अमली मोती की आवाम वापडा मुलाजमीन के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गई। एक साल कबल उतारा गया ट्रांसफार्मर लग ना सका। तफसीलात के मुताबिक दीपालपुर नवाही गांव अमली में एक साल कबल उतारा गया ट्रांसफार्मर लग ना सका। वोल्टेज कम होने की वजह से कई दफ़ा इलेक्ट्रिक एशिया जल चुकी हैं। आवाम परेशान। इलाका मकीनों का कहना है कि एक साल कबल वापडा अलकवारों ने फनी खराबी की वजह से ट्रांसफार्मर तब्दील करने के लिए उतारा, जो एक साल गुजरने के बावजूद दोबारा ना लग सका। कई दफ़ा दफ्तरों के चक्कर लगाए, ताहम हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। एक लैंडमैन सुपरिटेंडेंट खुरम गनी ने मुबैना तौर पर किसी को फरोख्त कर दिया है। हमारी आला हुकाम से गुजारिश है कि इंक्वायरी करके इनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए और फौरी तौर पर ट्रांसफार्मर लगाया जाए। ये हमारे गांव से मोती में जो ये आपके सामने आपको ये मंजर दिखा रहे हैं, इंडिया वाले ये ट्रांसफार्मर उन्होंने लगाया था। खुरम गनी ये वापरा का लैंडमैन है, उन्होंने उतार लिया और आगे प्रोफर कर दिया। पूरा गाँव जो है ये तकरीबन 3-4 हज़ार की आबादी है, सारे लोग परेशान हैं। जो बिजली है वो मुकम्मल नहीं आती, वो कम आती है, लोड शेडिंग का बड़ा मसला है। सारे पूरा गांव जो इस परेशानी का शिकार है। हम आला हुकाम से यही अपील करते हैं कि हमारा ये ट्रांसफार्मर जो उन्होंने उतारा है ये लिहाजा वापस लगाया जाए। यही हमारी गुजारिश है वापरा के बड़े बड़े आला हुकाम से, जो बड़े बड़े अफीसर हैं, SB हैं, दिगर उस्मान बुजदार हैं, हमारे वजीर आला के पंजाब हैं। हम यही अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर अली मोती गाँव का ये लगाया जाए। यही हमारी आरजू है, यही हमारी उनके अपील करना चाहते हैं।